प्राइवेट कॉलेज की बात हो और वेस्ट बंगाल के कॉलेज पीछे रह जाए, ऐसा बेहद मुश्किल है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता के फेमस कॉलेज यानी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसकी कुछ खामियां और खूबियां और प्लेसमेंट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, मायसेल्फ हिमांशु, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के नंबर वन रैंकिंग वाले कॉलेज के बारे में। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल में बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। ये कॉलेज कोलकाता के अनंतपुरा में लोकेटेड है और जब से वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट आया है तब से हेरिटेज कॉलेज की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं हेरिटेज कॉलेज में एडमिशन का, तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है। और अगर बात करूं कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आपके WBJ के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर होना चाहिए, साथ ही साथ आपका JEE मेंस में भी मार्क्स अच्छे होने चाहिए। इस कॉलेज में 90% जो सीटें हैं वो WBJ और JEE मेंस की काउंसलिंग के थ्रू फुलफिल की जाती हैं। इसके अलावा बची जो 10% सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा से फुल की जाती हैं। तो अगर आपका प्लान है वेस्ट बंगाल में पढ़ाई करने का, वहाँ पे रहने का या उसके आसपास रहने का, तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को मिस ना करें। यह आपके लिए एक बेहद अच्छा और सुनहरा अवसर है। अगर आप इस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपको प्लेसमेंट भी अच्छी मिलती हैं। तो चलिए, प्लेसमेंट की बात हो ही रही है तो बात करते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में। तो इस कॉलेज की जो खासियत है, या यूँ कहूँ कि इस कॉलेज को नंबर वन रैंकिंग बनाने वाली जो चीज़ है वो है इस कॉलेज की प्लेसमेंट। यहाँ पे ढेर सारी कंपनियाँ इनके साथ टाई अप करके रखती हैं और इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड लगभग 100% के चांस हम कह सकते हैं। एवरेज पैकेज हर स्टूडेंट को मिलने की चांसेस यहाँ पे रहते ही हैं। ये कॉलेज सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट की वजह से ही फेमस है, यहाँ लगभग हर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल ही जाती है। तो अगर आप एक अच्छा कॉलेज चाहते हैं जिसकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो ताकि आपका फ्यूचर भी अच्छा हो, तो आप हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। और अगर बात करें कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये कॉलेज 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका कैंपस 70 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि एक बहुत ही शानदार कैंपस है। जैसे कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो आप समझ ही सकते हो इसके कैंपस में आपको सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये कॉलेज एक अच्छा ऑप्शन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इस कॉलेज में और भी कोर्सेज होते हैं, उनकी वीडियो हम कभी और बनाएंगे। तो इसी के साथ इस कॉलेज की इंफॉर्मेशन की बात करते हैं यहीं पे समाप्त। और अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या वेस्ट बंगाल की प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी जाननी है या आपका कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी सहायता के लिए हर पल उपलब्ध है, हमारी टीम आपकी हर प्रकार से सहायता करेगी। तो जल्दी से जल्दी कॉल करें अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में मिलने वाली है। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी इन्फॉर्मेशन, हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी कॉलेज रिव्यू की वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आबाद रहें, खुश रहें, धन्यवाद।